नमस्कार, इज्यूम टिप्स में आपका स्वागत है। मैं संतोष चौहान। शरीर में आपके दर्द होता है, कहीं भी अगर दर्द है तो दर्दों की आप गोलियां खाते हैं, तो मैं आपको एक नेचुरल जो घरेलू उपाय है वो बताती हूँ। नेचुरोपैथी मैं कर रही हूँ, थर्ड ईयर है मेरा। मैं कई बार अपनी वीडियोज में बता चुकी हूँ, और जून में एग्जाम होगा, उसके बाद 6 महीने की होगी हमारी इंटर्नशिप, तो डॉक्टर्स के साथ रहूंगी। नेचुरोपैथी जो भी डॉक्टर हैं तो उनके साथ, तो एक आपको उपाय बताती हूँ, ये बना के रख लेना आप, और इसको आप महीनों तक रख सकते हैं, खराब नहीं हुआ है, बस एक बार आपको बनाने की मेहनत है, और बिल्कुल साधारण सा है, कोई इसमें ज़्यादा आपका पैसा भी नहीं लगने वाला। आपने लेनी है अजवाइन, जीरा, सौंफ और छोटी इलायची। अजवाइन, जीरा, सौंफ और छोटी इलायची। सौंफ लेनी है मोटी वाली, जो रेस्टोरेंट वगैरह में मिलती है ना, वो नहीं लेनी है। तो आपने जो अजवाइन लेनी है, जैसे अजवाइन लेते हो आप, अजवाइन आपने ली 100 ग्राम, अजवाइन से आधा लेना है जीरा, यानी 50 ग्राम आपने जीरा, और जीरे से आधी लेनी है आपने सौंफ, यानी 25 ग्राम आपने सौंफ लेनी है, और 10 ग्राम आपने लेनी है छोटी इलायची। तो तीनों चीजों को, पहले अजवाइन, जीरा और सौंफ, इसको आपने तवे पे हल्का हल्का सा आपने भून लेना है, बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, जीरा वगैरह जलाना नहीं है, बस नमी निकल जाए इतना आपने ड्राई रोस्ट इसको कर लेना है तवे पे, फिर ठंडा हो जाए तो मिक्सी में आपने इसको पीस लेना है। और इसी के साथ जो इलायची 10 ग्राम आपने ली है, छोटी वाली इलायची, हरी इलायची जो होती है खीर वगैरह में जो डालते हैं, तो छोटी इलायची का छिलका निकाल करके जब आप ये तीनों चीज पीसेंगे तो छोटी इलायची भी आपने इसके साथ पीस लेनी है। और उसके बाद रात को सोते समय आपने 1 टीस्पून, एक छोटा चम्मच, बड़ों की खुराक बता रही हूँ, बच्चों को देना है तो 1/2 टीस्पून दे सकते हैं, तो एक छोटा चम्मच आपने पानी के साथ, अभी तो देखिए समर है तो आप नॉर्मल जो पानी है उसके साथ आप ले सकते हैं, हाँ फ्रिज के पानी के साथ नहीं लेना है, और जिनको दर्द वगैरह रहते हैं ना तो फ्रिज का पानी मत पिया करो, ज्यादा ही आपको ठंडा पानी पीने की जरूरत है तो आप मटके का पानी पिया करो। फ्रिज का पानी जिनके भी दर्द होता है उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक है, फ्रिज का पानी छोड़ दीजिए, फ्रिज का पानी मत पिया कीजिए। तो ये पाउडर आपने बना के रख लेना है, रात को आपने सोते समय डेली एक चम्मच लेना है। तो कब तक ले सकते हैं, तो जब तक आप लेना चाहें तब तक ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी कि आप रेगुलर ले रहे हैं तो आपको कोई परेशानी होगी। वैसे जो नेचुरल जो होम रेमेडीज होती हैं, उपाय होते हैं, उसको 40 दिन रेगुलर किया जाता है, तो 40 दिन तो आप रेगुलर जरूर कर लेना, और फिर देखना इसमें आपको क्या फर्क पड़ता है, और उसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि औरों को भी फायदा हो। और हाँ देखिए, जब आप ये कोई भी होम रेमेडी अपनाते हैं ना, तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि जैसे फायदा नहीं हुआ, तो देखिए बीमारी एक दिन में तो नहीं आई ना, और होम रेमेडी जड़ से बीमारी को खत्म करती है, टाइम लगेगा पर फायदा जरूर होगा आपको, ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं होगा, पर हाँ टाइम लेते हो, जैसे ही फायदा होना शुरू हो जाता है ना फिर एकदम से जल्दी जल्दी आपको फायदा महसूस होने लगता है, पर शुरुआत में आपको टाइम लगेगा, ऐसा लगेगा कि भाई इससे तो कोई फायदा नहीं हो रहा, पर फायदा जरूर होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस उपाय को करके देखिएगा और अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, वीडियो पसंद आई हो तो औरों को भी शेयर कर देना। धन्यवाद।